हिसार से बड़ी खबर आपको बता रखी है। हरियाणा बीजेपी की समीक्षा बैठक जारी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हिसार में है। आज दूसरा दिन है उनका हिसार दौरे का। उनकी अध्यक्षता में बैठक जारी है। समीक्षा दरअसल की जा रही है। आज तीन हलकों के कार्यकर्ताओं की बैठक कर रखी है, जिसमें हांसी, हिसार और नलवा हलका शामिल है। इससे पहले गुरुवार की आप बात करेंगे तो बीते कल चार हलकों में उनकी ओर से कार्यकर्ताओं से बैठक की गई। वो चार हलके जहां पर बीजेपी हारी, और आज जो तीन हलके हैं वो हलके जहां के बीजेपी को जीत मिली है, कमल का फूल खिला है। तो संगठनात्मक बदलाव को लेकर भी देखिए बेहद खास इस बैठक को बताया जा रहा है। चलिए बैठक जारी है, इस पर पूरी जानकारी के साथ विकास विश्नोई हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हिसार से फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, बैठक जारी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास से बताइए। ज्योति, अभी जो हांसी हलका है और नलवा है उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो गई है, और हिसार की भी रहती है। आज भी वही चीजें हैं जो कल सामने आई थी। कुछ पॉजिटिव बातें बताई है कि कुछ पॉजिटिव निकला है कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक ली गई है उसमें, नेगेटिव चीजें निकली है, लेकिन पार्टी सबको समान समझ रही है। अगर चुनाव हारे हैं तो उसमें ये नहीं है कि कार्यकर्ताओं की गलतियां, हो सकता है कि पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों तक वहां पर ना पहुंच पाई हो सकता है संगठन की वजह से ना पहुंच पाई हो, लेकिन फीडबैक जरूरी है, चाहे कोई जीत कर आया हो चाहे कोई हार कर आया हो। और तीन हलके आज रहते थे, दो कंप्लीट हो गए हैं, और अभी हिसार क्योंकि बड़ी सीट है, अहम सीट है, डॉक्टर कमल गुप्ता लगातार दूसरी बार वहां से जीते हैं, तो वहां के कार्यकर्ताओं से फीडबैक अभी लेनी है। बड़ी बात यह है कि कमल गुप्ता जीते जरूर हैं, लेकिन जो मार्जिन था नगर निगम चुनाव में 30,000 था ज्योति, लोकसभा चुनाव के अंदर वो 56,000 था, लेकिन अब कम आया है, तो वो भी शायद वहां पर भी चर्चा होगी कि जहां एक तरफा वोट बैंक बीजेपी का हिसार शहर के अंदर था वहां क्या कमी रह गई कि पार्टी का वोट बैंक है वो कम हुआ है। तो हिसार हलका आज के जो तीनों विधानसभाएं उनमें से अहम है। जी विकास, बिल्कुल बेहद अहम है, अपने आप में बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तीन हलके जहां पर बीजेपी को जीत मिली थी, आज उन हलकों के कार्यकर्ताओं से बैठक की जा रही है। इससे पहले गुरुवार की आप बात करेंगे, चार हलकों में वितरण कर चुके हैं संगठनात्मक क्योंकि बदलाव भी किए जा रहे हैं जिला स्तर के। अगर आप बात करेंगे तो उसके लिहाज से काफी खास जो कि माना जा सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, स्थानीय नेताओं से भी मीटिंग कर रखे हैं कंवरपाल गुर्जर।